हेलो बच्चों, लेट इट द क्वेश्चन क्वेश्चन सेज व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स y1 इज इक्वल टू 4 sin 2x माइनस 60 एंड y2 इज इक्वल टू 3 sin 2x माइनस 60 माइनस पाई बाय 2 आर सुपरपोज्ड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज। अब यहां देख सकते हैं इन दोनों वेव में जो एम्पलीट्यूड दे रखे हैं, a1 इज इक्वल टू है 4 और a2 इज इक्वल टू है 3, और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है पाई बाय 2। तो हमें मालूम है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, यानी ये हो जाएगा इट इज द 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 3 इंटू कॉस फाइव बाई 2। कॉस फाइव बाई 2 की वैल्यू 0 हो गई, यानी ये हो जाएगा 25, यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 5, विच इज ऑप्शन 3। I hope you understood the solution. Thank you.